तो फ्रेंड्स आज मैंने बनाया है बचे हुए रोटी का नाश्ता। आप एक बार ये नाश्ता बनाओगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये बचे हुए रोटी का नाश्ता है। तो आपको मेरे ये बचे हुए रोटी का नाश्ता कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। नमस्ते देवी और सज्जनों, कैसे हैं आप सब। हम बनाएंगे रात के बचे रोटी का एकदम बढ़िया सा नाश्ता। ये रात की दो रोटी बची थी, एक रोटी को मैंने क्रश कर लिया है, ग्रेटर से ये रोटी को भी ग्रेट करेंगे। रोटी को वेस्ट होने से अच्छा है रोटी का कुछ नया नाश्ता बनाकर खाओ। दोनों रोटी को ग्रेट कर लिया है, रोटी को डाल दिया एक बाउल में। ये रोटी में डालेंगे 2-3 चम्मच दही, आधा चम्मच जीरा, लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। इसमें नमक डालेंगे स्वादानुसार, थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला, आधा चम्मच धनिया जीरा पाउडर, थोड़ा सा हरा धनिया, हल्दी पाउडर। आप अपनी मनपसंद की सारी सब्जियां या और भी कुछ डालना है तो डाल सकते हैं। अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो ही पानी डालेंगे, ये दही से अच्छे से बाइंड हो जाता है ना। इसमें बेसन डालने की ज़रूरत है ना और कोई चीज़ डालने की ज़रूरत है, दही से बहुत अच्छे से बाइंडिंग हो रहा है। देखिए ऐसे, देखिए अच्छे से बाइंड हो गया है। अब यहाँ पे मैंने एक छलनी ली है, छलनी को तेल लगाएंगे और इसके ऐसे लोई लेनी है। और इसको ऐसे सिलेंडर शेप देना है। अब देखिए मैंने ये सारे बना लिए हैं। एक कढ़ाई में मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा है, उसके ऊपर ये छलनी रखेंगे, ढक्कन लगा के 4-5 मिनट स्टीम करेंगे। स्टीम करते हुए 4-5 मिनट हुए, अच्छे से स्टीम हुए। ऐसे तो इसको ज़्यादा स्टीम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रोटी तो पहले से पकी हुई होती है, तो भी थोड़ा सा स्टीम कर लिया है तो अभी इसको निकाल लेते हैं। चलिए अभी ये ठंडा हो चुका है, इसको कट कर लेते हैं। देखिए ऐसे पीसेस में कट करना है। आप एक बार ये मुठिया बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी लगता है और बची हुई रोटी भी वेस्ट नहीं होती है। देखिए सारे पीसेस को कट कर लिया है। गैस पर कढ़ाई रखिए गरम होने के लिए, उसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम होने के बाद आधा चम्मच राई डालेंगे, 1 पिंच हींग डाला है, 1 चम्मच डालेंगे तिल, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे या आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पहले हरी मिर्च डाली हुई है। करी पत्ता होगा तो करी पत्ता भी डाल सकते हैं। अभी इसमें मुठिया डाल देंगे। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया, अभी तैयार हो चुका है, इसको निकाल लेते प्लेट में। तो चलिए तैयार है रात के बचे हुए रोटी का नाश्ता। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में बेल आइकन भी दबा लेना। रेसिपी कैसी लगे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।